रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित चौधरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में वबाई वायरस COVID-19 कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पाकिस्तान में भी मरीजों की तादाद में रोज़ बर रोज बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत में लॉकडाउन में नरमी की वजह से इस मर्ज में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। हम में से अक्सर डॉक्टर अपनी OPD कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब डॉक्टर पैरामेडिकल हाई रिस्क पे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किन SOPs पर अमल करके खुद को और अपने पैरामेडिकल स्टाफ को इस वबा से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो डॉक्टर साहबान जिनकी उम्र 50 साल या 50 साल से ज़्यादा है, वो हर चीज़ OPD ना करें, हर चीज़ मरीज मत देखें। नंबर 2, वो डॉक्टर साहबान और पैरामेडिकल स्टाफ दो जो कि किसी दैवी बीमारी मसलन शुगर, हेपेटाइटिस या किसी दैवी बीमारी सांस की या किसी और दैवी बीमारी का शिकार है, तो वो बिल्कुल बड़ी इज्मत देखें। क्लिनिक पर सुबह शाम क्लोरीन स्प्रे करें। क्लिनिक में मास्क के बगैर किसी भी शख्स का दाखिला बंद करें। किसी शख्स को मास्क के बगैर क्लिनिक के अंदर दाखिल मत होने दें। क्लिनिक के दरवाजे पर एक शख्स की ड्यूटी लगाएं जो कि हर आने वाले बंदे के हाथ सैनिटाइज करवाए और उसे पॉलिथीन ग्लव्स मुहैया करें। एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को आने की इजाज़त दें। मरीजों के दरमियान बैठने में मुनासिब फासला बरकरार रखें। आप क्लिनिक में दाखिल होते ही तमाम फासले इकदाम करें। सबसे पहले अपने हाथ साबुन से धोएं। हाथ धोने से पहले अपनी नल के हैंडल को अच्छी तरह सैनिटाइज स्प्रे कर लें। यह सैनिटाइज स्प्रे जो कि मैंने बनाया था, उसके बाद अपने हाथ सैनिटाइज करें। सबसे पहले सर्जिकल गोल पहने जो कि आपकी तमाम बॉडी को कवर करता हो। डिस्पोजेबल मास्क और कैप पहनने के बाद फेस शील्ड का इस्तेमाल लाजमी करें। हमें सबसे लोग फेस शील्ड नहीं पहनते और ये बहुत ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अपने मोबाइल और अपनी चाबी मत निकालें। अपनी चाबियां और मोबाइल, अपना पर्स, कोई चीज़ बाहर मत निकालें। अपने मेज पर सिर्फ थर्मामीटर, BP प्लेटर, स्टेथोस्कोप, टार्च, टंग डिप्रेसर, पेन और पैड के अलावा कोई भी फालतू चीज़ मत रखें। मरीज को चेक करते वक्त आपने और मरीज के मुनासिब फासला बरकरार रखिए। मरीज को चेक करने से पहले और चेक करने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज लाजमी करें। हर मरीज को चेक करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। मरीज का बुखार नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से करें। अगर आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे थर्मामीटर से बाहर चेक करें। बाहर चेक करने से पहले थर्मामीटर पर अच्छी तरह सैनिटाइज स्प्रे करें और बाहर चेक करने के बाद मरीज से पकड़ते हुए दोबारा उस पर सैनिटाइज स्प्रे करें। अगर आपने किसी मरीज का गला चेक किया है तो टंग स्पेशल को फेंकने से पहले उस पर भी अच्छी तरह स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद टंग स्पेशल को ज़ाया करें। मरीज को चेक करने के बाद आपकी स्टेथोस्कोप पर भी सैनिटाइज स्प्रे लाजमी करें। अपने ग्लव्स फेंक दें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अपनी OPD का टाइम फिक्स रखें। OPD का टाइम ख़त्म होने के बाद कोई भी मरीज दोबारा मत देखें। अपने हाथ साबुन से धोएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। क्लिनिक का वक्त ख़त्म होने के बाद तमाम क्लिनिक पर दोबारा क्लोरीन स्प्रे करवाएं।
इन SOPs पर अमल करके इंशाल्लाह आप और आपका पैरामेडिकल इस वबा से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हफ्ज़ व अमान में रखिए। इसे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि सैनिटाइजर स्प्रे किस तरह बनाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, हाउ टू मेक सैनिटाइजर एट होम बाय डॉक्टर अब्दुल बासित चौधरी। उस पर आपको सैनिटाइजर स्प्रे बनाने का तरीका मिल जाएगा और ये लाजमी बनाए, जो रिश्वत पर मैंने दी हुई है उस मुताबिक ये आपके बहुत काम आएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।